हेलो यार, वेलकम टू एफ डी सी एम। मैं अभिषेक सोनी, प्रेजेंट कर रहा हूँ नेक्स्ट फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं सरफेस एनर्जी से रिलेटेड। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। सरफेस एनर्जी से रिलेटेड ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है 1 मिलीमीटर त्रिज्या की पानी की एक बूंद को समान आकार की 10^6 बूंदों में तोड़ने में पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। इन सभी का एक्सरसाइज वाटर दिया हुआ है, पानी का पृष्ठ तनाव। ये दिया हुआ है 7.3 × 10^-2 न्यूटन पर मीटर। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस है कि नहीं। 7.3 × 10^-2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा? वर्क डन निकालना है। W=T×A। सरफेस टेंशन दिया हुआ है, डेल ए हमें निकालना है। तो डेल ए कोई भी पानी की बूंद है स्फेरिकल शेप में, तो स्पेयर एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर अप्लाई करेंगे इसमें। 1 मिलीमीटर त्रिज्या की कोई बड़ी पानी की बूंद है, उसको 10^6 छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है। तो जो छोटी छोटी बूंद है 10^6 उसका सरफेस एरिया कुछ ज़्यादा होगा बड़ी बूंद से, तो इसमें से इस वाली एरिया को माइनस कर देंगे तो डेल ए निकल के आ जाएगा। इसके टोटल 10^6 वाटर ड्रॉप का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो विद ड्रॉप है, विद वाटर ड्रॉप है उसके सरफेस एरिया, तो डेल्टा ए करके आ रहा है यहाँ से। तो इसके लिए सबसे पहले रेडियस दी हुई है बड़ी वाली बूंद की 1 मिलीमीटर, तो छोटी वाली बूंद की रेडियस निकाल ली है सबसे पहले, तो हमें यही काम करना है। तो इस बड़ी बूंद के वॉल्यूम को 10^6 छोटी बूंद के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे, वॉल्यूम को इक्वल हुआ दोनों का, तो 4/3 π r³। मान लेते हैं यहाँ पे छोटी बूंद की जो रेडियस है, एक छोटी बूंद की रेडियस वो स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ 10^6 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स 10^6 × 4/3 π r³। ये इक्वल होगा एक बड़ी बूंद के वॉल्यूम के, जो कि होगा 4/3 π r³। कैपिटल आर मान लेते हैं बड़ी वाली जो पानी की बूंद है उसकी त्रिज्या, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, ये हो जाएगा 10^6 स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से कैपिटल आर इक्वल्स टू निकल के आएगा 10^2 स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है 1 mm, कैपिटल आर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 × 10^-3 m। यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे 1 × 10^-3 = 10^2 स्मॉल आर। यहाँ से स्मॉल आर निकल के आएगा 10^-3 / 10^2। छोटी वाली पानी की बूंद है उसकी रेडियस निकल के आएगी स्मॉल आर = 10^-5 m। रेडियस ऑफ वन स्मॉल वाटर ड्रॉप
r is equals to 10 raised to power minus 5 meter. If small r 10 raised to power minus 5 meter or capital R 1 into 10 raised to power minus 3 meter. Here दोनों रेडियस समझ लिए आप चेंज इन सरफेस एरिया ये निकालना तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा स्मॉल वाटर ड्रॉप 10 की पावर 6 स्मॉल वाटर ड्रॉप उसमें से माइनस कर देंगे जो बिग वाली वाटर ड्रॉप है उसके सरफेस एरिया तो डेल्टा ए निकल के आ जाएगा डेल्टा ए विल बी इक्वल टू स्फेरिकल सिग्मा की वाटर ड्रॉप तो स्फीयर का ही सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे जो कि होता है 4 पाई r स्क्वायर तो ये होगा 10 रे की पावर 6 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर ये होगा टोटल सरफेस एरिया बड़ी वाली मान के रूप में और ए होगा 10 raised to power 6 स्मॉल ड्रॉप सरफेस एरिया ऑफ 10 raised to power 6 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स तो यहां से 4 पाई को कॉमन आउट कर लेंगे 4 पाई इनटू 10 raised to power 6 इनटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर फोर पाई इनटू 10 रे की पावर 6 इनटू स्मॉल आर की वैल्यू सब करेंगे 10 रे की पावर माइनस 5 तो ये हो जाएगा 10 रे की पावर माइनस 5 का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 10 रे की पावर माइनस 5 माइनस कैपिटल आर की वैल्यू सब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 raised to power minus 3 so square of 10 raised to power minus 3 4 pi into 10 raised to power minus 10 raised to power 6 into ये हो जाएगा 10 raised to power minus 10 minus 10 raised to power minus 6 यहाँ पे ये 10 raised to power minus 10 इसको 10 raised to power minus 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि 10 raised to power minus 6 को भी कॉमन आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 pi into 10 raised to power 6 into 10 raised to power minus 4 into 10 raised to power minus 6 minus 10 raised to power minus 6 यहां से डेल्टा ए निकल के आएगा 4 पाई इनटू 10 रे की पावर माइनस 6 10 रे की पावर माइनस 4 तो ये हो जाएगा 10 रे की पावर 2 10 रे की पावर माइनस इनटू 10 रे की पावर माइनस 6 इसको कॉमन आउट कर लेंगे 4 पाई इनटू 10 रे की पावर माइनस 6 यहाँ हो जाएगा 10 raised to power 2 minus 1 तो डेल्टा ए निकल के आ गया यहाँ से 4 pi into 10 raised to power minus 6 into 100 minus 1 डेल्टा ए will be equals to 4 pi into 10 raised to power minus 6 into 99 ये होगा चेंज इन सरफेस एरिया 4 पाई इनटू 10 रे की पावर माइनस 6 इनटू 99 यहां से टोटल वर्क डन निकालेंगे जो कि होता है w इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन कैपिटल T इनटू चेंज इन एरिया डेल्टा a W is equals to T into delta A.
सरफेस टेंशन दिया हुआ है 7.3 इनटू 10 इनटू पावर माइनस 2 इनटू डेल्टा ए, ये दिया हुआ है 4 पाई इनटू ये 10 इनटू पावर माइनस 6 इनटू 9.99 7.3 इनटू 4 इनटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इनटू 99 इनटू 10 इनटू पावर माइनस 2 इनटू 10 इनटू पावर माइनस 6 इसको सॉल्व करेंगे यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसका ये हो जाएगा 7.3 इनटू 4.13 7.3 इनटू 4 ये हो जाएगा 29.2 इनटू 3.14 यहां ये हो जाएगा 29.2 इनटू 3.14 इनटू 99 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 यहां से सॉल्व करेंगे 29.2 इनटू 3.14 ये हो जाएगा 8.6 ये हो जाएगा 2.92 6.78 यहां से निकल के आएगा 91.688 ये हो जाएगा 91.688 इनटू 99 इनटू 10 टू पावर माइनस 2 इनटू 10 टू पावर माइनस 6 यहां से इसको सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 91.688 इनटू 99 तो ये हो जाएगा 9168.8 और माइनस हो जाएगा 91.688 इतना हो जाएगा ये हो जाएगा 211.7 इतना निकल के आ जाएगा 9077 पॉइंट ये हो जाएगा 9077.112 इनटू 10 टू पावर माइनस 2 इनटू 10 टू पावर माइनस 6 यहां से इसको सॉल्व करेंगे यहां से निकल के आ जाएगा W = 9077 0.112 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 6 इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ये हो जाएगा 9.07 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 6 इसको ऐसा लिख सकते हैं 9.07 into 10 to the power 3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर प्लस 3 ये कैंसिल ये हो जाएगा 9.08 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 क्यूब टोटल वर्क डन हुआ वो W = 9.07 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 क्यूब ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा आपको आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ थैंक यू